सो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद हेम प्रसाद। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्री का सर्कल करेंगे। बेसिक ज्योमेट्री में अभी तक हम लोग पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सब वीडियो आपको यदि देखने का है तो इस सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दैट इज नोन एज सर्कल, एंड फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। इस टॉपिक में हम लोग आज सर्कल, देन रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, आर्क, मेजर आर्क, रेडियन एंड डिग्री, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक सर्कल। फर्स्ट डिफिनेशन, सर्कल। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग पहले सिंपल डिफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या, जैसे द सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। सो लेट्स सी, दिस इज अ फिक्स पॉइंट एंड इफ यू टेक अ डिफरेंट पॉइंट्स विच डिस्टेंस इज ए फिक्स मीन्स कॉन्स्टेंट है, लाइक 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वट एवर यू आर टेकिंग, यदि सेम है तो ये जो लोकस होगा दैट लोकस नोन एज सर्कल। सो ये ऐसा दिखेगा आपको इस सेप में, ओके। एंड इफ यू वी मेजर, लाइट से दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। सो दिस सेंटर, यदि हम लोग यदि, सो लेट सी, दिस इज अ पॉइंट ए, ओके। अदर पॉइंट लेते हैं, लेट सी बी, ओके। अदर पॉइंट लेट सी, लेट सी सी। सो ये सब डिस्टेंस जो होगा लाइक 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ए भी दो, ए भी दो। सो इसको क्या बोलेंगे, सर्किल। मीन्स इधर ये ओ ए इक्वल टू ओ वी इक्वल टू ओ सी एंड दिस इज नोन एज द सेंटर, ओके। नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं रेडियस। रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। मीन्स यदि एक सर्कल लीजिए, लेट्स दिस इज अ सर्कल एंड ये हमारा सेंटर है। सो इन कोई भी पॉइंट लीजिए तो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट टू ऑन द सर्कल, दैट इज नोन एज द रेडियस। सो लेट्स सी, दिस इज ओ एंड ये हमारा लेट्स सी ए। सो OA क्या हो गया? रेडियस। सो रेडियस क्या हो जाएगा इसमें? OA एंड इस डिनोटेड बाय स्मॉल r एंड यू कैन ड्रा मेनी रेडियस और यू कैन से इनफिनाइट रेडियस लाइक दिस वे लेट्स सी बी सी। सो इसमें देखिए OA इक्वल टू OV इक्वल टू OC होगा, इन सभी का r होगा, डिस्टेंस क्या होगा? r होगा। सो दैट इज अ रेडियस। नेक्स्ट में देखिए डायमीटर क्या आता है? ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड बोथ इट एंड्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सो सिंपल हम लोग, लेट्स से दिस इज वन आई एम ड्राइंग ऑन सर्कल, ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है एंड एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जो सेंटर से पास करना चाहिए, मतलब यहां से ऐसा करिए। सो लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, ओके। सो हियर दिस इज ओ एंड लेट्स सी दिस ए बी। सो ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर। सो हियर ए बी क्या है? डायमीटर। एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर ओ ए इक्वल टू आर है, ए आर है और ए आर है, तो दोनों मिला के 2R हो गया। सो डायमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 2 into रेडियस। सो होपफुली यू अंडरस्टूड डिफिनेशन ऑफ सर्कल। रेडियस क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या है? इज अ डबल ऑफ द रेडियस। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कमफ्रेंस, आर्क, कम फ्रेंस, ओके। सो लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस और वी कैन से पेरीमीटर ऑफ द सर्कल नोन एज द सर्कमफ्रेंस। So let's see, I am taking one circle. ये circle है आपका fixed point, this is center O and let's see radius R, okay।
ये जो पूरा ये जो घेरा जिसको बोलिए दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। और यदि रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका लेंथ, सो सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस दिस इज इक्वल टू टू पाई आर और वी कैन से टू पाई इंटू रेडियस ओके। एंड पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14 ले सकते हैं ओके। नाउ लेट्स सी टेक वन सिंपल एग्जांपल, लेट्स सी रेडियस ऑफ सर्कल है आपका 14 सेंटीमीटर ओके, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, लेट्स सी सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका 2πr, तो r का वैल्यू पुट कीजिए 14 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू 22/7 एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर, सो कट कीजिए 2 से होगा, देन 22 × 2 = 44 × 2 = 88, सो 88 सेंटीमीटर होगा सर्कमफ्रेंस ओके। एंड यदि डायमीटर को निकालने का है, लेट्स सी डायमीटर, सो डायमीटर कितना होगा 2 × रेडियस, सो 2 × रेडियस कितना हो जाएगा 4, मीन्स 14 × 2 दैट इज 28 सेंटीमीटर। सो दैट इज यू कैन से द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस एंड दिस इज वन ऑफ द वन प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्क की, व्हाट इज आर्क। चलिए डियर स्टूडेंट, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्क। आर्क क्या है, आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सो लेट्स सी, आई एम टेकिंग वन सर्कल, ले लीजिए दिस इज अ सर्कल ओके। पार्ट मीन्स लेट्स सी आई एम टेकिंग द टू पॉइंट, लेट्स सी पी क्यू। सो यदि हम लोग दो पार्ट में इसको देखेंगे, सो ये एक हो गया हमारा दिस वन एंड सेकेंड वन यू कैन से दिस वन, सो दिस इज नोन एज द आर्क ओके। एंड हम लोग स्मॉलर जो पोर्शन है उसको हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा वाला पोर्शन बना उसको हम लोग मेजर आर्क कहते हैं। सो लेट्स सी लाइक दिस वे, इफ यू लाइक इफ यू ड्राइंग हियर ओके, आई एम टेकिंग दिस पी क्यू ओके, एंड सो आई एम दिस कलरिंग अदर कलर, सो ये जो ब्लू से क्रिए है ये क्या हो गया हमारा माइनर आर्क ओके। एंड नॉर्म इसे डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, पी क्यू एंड इसमें ऐसा एक आर्क शेप में देते हैं ओके। जैसे हम लोग लाइन सेगमेंट में क्या करते थे, पी क्यू एंड एक ऐसा देते हैं, सो इसमें हम लोग क्या कहते हैं इस तरह का, सो दैट इज अवर माइनर आर्क। एंड इसको हम लोग ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, मतलब ये बड़ा वाला सेक्शन को, लेट्स सी आई एम टेकिंग द पॉइंट आर हियर, सो ये पी आर क्यू दैट इज नोन एज द मेजर आर्क ओके। एंड दिस इज डिनोटेड बाय पी आर क्यू और इसमें ऐसा डालेंगे ओके, सो दैट इज नोन एज स्मॉलर वन माइनर, बिगर वन इज ए मेजर आर्क। सो यू अंडरस्टूड माइनर आर्क मेजर आर्क। अभी चलिए हम लोग इसका आर्क का लेंथ कितना होगा यदि सेंटर पे लेट्स सी थीटा रेडियन एंगल सबटेंड करता है तो, सो व्हाट इज ए रेडियन एंड व्हाट इज ए डिग्री विल जस्ट डिस्कस एंड देन विल फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सेंटेंस में ऐसा समझिए कि लेट्स सी एक सर्कल है, पहले रेडियन एंड डिग्री में हम लोग क्या रिलेशन होता है ये देख लेते हैं। सो यदि सेंटर पे बिनो कितना 360 डिग्री एंगल बनाता है, सो लेट्स सी आई एम डिवाइडिंग इन फोर पार्ट्स, इक्वल ऐसा डिवाइड करते हैं, सो ये हमारा रिफरेंस लाइन है, सो वी नो ऑलरेडी ये दोनों क्या फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन है, सो ये यदि हमारा 0 डिग्री हो गया, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, मीन्स वी आर एडिंग 90 90 90 एंड दिस अगेन कमिंग टू 360 डिग्री, सो दिस इज 360 डिग्री, मीन्स इफ ये कंप्लीट राउंड ले लेंगे तो कितना बनाएगा हम, दैट इज 360 डिग्री ओके। लाइक लेट्स सी आई एम ड्रॉइंग लाइक 60 डिग्री, सो इधर में आ जाएगा दैट इज
60 डिग्री। यदि हम लोग इधर में 120 बनाने का है, सो दिस 90 प्लस 30, सो लाइक दिस वे ऐसा, सो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। लाइक दिस वे यू कैन अंडरस्टूड। सो हमको अभी ये डिग्री में है, नेक्स्ट आता है एक रेडियन। सो आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट इट, सिंपली वी कैन अंडरस्टूड लाइक दिस वे कि इसे एंगल पे 360 डिग्री है, उसको रेडियन में कितना, मींस 360 डिग्री को दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो दिस इज आल्सो वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिग्री, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सो सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ हम लोग अभी आर्क लेंथ निकालेंगे, इसमें हम लोग रेडियन यूज करेंगे। सो लेट्स सी डू द आर्क लेंथ। सो चलिए हम लोग रेडियन एंड डिग्री देख लिए, दैट इज बोथ आर द यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। सो अभी हम लोग लेट्स सी आर्क लेंथ निकालने का है। सो आई एम जस्ट ड्राइंग वन सर्कल, एक सर्कल है, दिस इज अवर आर्क एंड सेंटर पे लेट्स सी एंगल थीटा रेडियन ये बना रहा है, दिस इज सेंटर ओ, लेट्स सी पी क्यू एंड ए एंगल हो गया हमारा थीटा रेडियन। सो लेंथ ऑफ पी क्यू निकालने का है, सिंपल वी नो सेंटर पे ऐसे समझ सकते हैं, सेंटर पे जो है कितना 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री एंगल बनाता है। सो इसमें हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि ये 2 पाई यदि एंगल सबटेन कर रहा है सो कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू सरकमफेरेंस 2 पाई आर। सो 1 रेडियन में कितना होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, सो दैट इज इक्वल टू आर। ओके नेक्स्ट एंगल थीटा में होगा कितना, थीटा इन रेडियन, दैट इज थीटा इनटू आर एंड दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ लेट्स सी एल से यदि हम इसको डिनोट करेंगे, सो पी क्यू होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे एंड सिंपल फॉर्मूला होगा थीटा इनटू आर, वेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है थीटा क्या है, थीटा इज इन रेडियन नॉट इन डिग्री। ओके लेट्स सी विल डू प्रॉब्लम। सो फाइनली इसका जो फॉर्मूला हो गया एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इनटू रेडियस, एंड ये हम लोग मेजर किस में करेंगे, रेडियन में। सो दिस इज अ रिलेशन, this is a relation between you can say the angle subtended and the radius, so the radius r hai ye. Okay chaliye hum log is pe ek do problem kar lete hain to aapko bahut hi achhi tarah se samajh mein aa jayega, ek usse samajh mein aa jayega question kya hai, dekhiye convert degree into in radians, convert degree in radian, सो 30 डिग्री 90 डिग्री सो कन्वर्ट करने का रेडियन में। सो सिंपल एकदम यूनिटरी मेथड लगाने का है, वी नो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, बस इसी को यूज करने का सिंपल। सो अभी 30 डिग्री को निकालने का रेडियन में, सो सिंपल कितना हम लोग लिखेंगे, ए क्वेश्चन ए में क्या है 30 डिग्री का लिखा है, सो 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है हमारा पाई रेडियन। ओके पाई रेडियन, सो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180, सो 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमको पाई बाय 180 इंटू 30, सो कट कीजिए 6, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ओके 90 डिग्री अभी देखेंगे, सो 90 डिग्री के लिए यहां पे देखिए 90 यानी यहां पे 30 डिग्री के ऊपर हम लोग 90 लिखेंगे, यानी 90 डिग्री में कितना हो जाएगा ये पाई बाई 180 इंटू 90,
सो कट कीजिए 2, सो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन, सो दिस इज इक्वल टू यू कैन से पाई बाई 2 रेडियन, सिंपल। सो इसको हम लोग यूज करेंगे आर्क लेंथ निकालने में। नेक्स्ट में है पाई बाई 6 रेडियन, रेडियन इंटू डिग्री, तो सिंपल इसको भी यूनिटरी मेथड लगाएंगे। वी नो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, सो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। सो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन कितना हो जाएगा 186 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई बाई 6, कट कीजिए, सो पाई पाई कट गया, ये 6 से 30 डिग्री, सो दैट इज, सो ये कितना हो जाएगा हमको दैट इज 30 डिग्री। सो सिंपल हमको ये याद रखने का पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री एंड व्हाट एवर वे वांट टू कन्वर्ट यूज यूनिटरी मेथड, सो दैट इज ओके। नेक्स्ट में हम लोग आर्क लेंथ देखते हैं, चलिए हम लोग आर्क लेंथ निकालते क्या है। फाइंड द आर्क लेंथ पी क्यू इन द गिवन पर्पस, ये सर्कल दिया हुआ है जिसमें रेडियस मीन्स ओपी और ओक्यू यू कैन से दैट इज 7 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड कितना है पाई बाई 3 रेडियन। सो आर्क लेंथ वी नो पी क्यू क्या हो कितना होगा आर इंटू एंगल सबटेंडेड, दिस थीटा शुड बी इन द रेडियन, सो आर कितना वैल्यू दिया हुआ है 7 इंटू थीटा कितना दिया हुआ पाई बाई 3 रेडियन एंड वी नो पाई इक्वल टू कितना होता है 22/7, सो वी हैव टू पुट इट 7 इंटू 22/7 इंटू 3, कट कीजिए 7 कट गया एंड दिस इज इक्वल टू 22/3 कितना सेंटीमीटर, तो दैट इज आर्क लेंथ हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देखिए इसको 9 डिग्री में दिया हुआ है एंड देन फाइंड द आर्क लेंथ, सो पी क्यू इसमें पी क्यू सेम फॉर्मूला लगेगा थीटा इंटू आर, लेकिन हमको थीटा रेडियन में कन्वर्ट करने का फर्स्ट। सो सिंपल अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग सिंपल यही यूज करेंगे 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन होता है, सो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री, सो 90 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 90, सो 2, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। सो सिंपली अभी इधर में हम लोग पुट कर देंगे पाई बाई फॉर्मूला यही होगा पाई बाई 2 मीन्स रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है इसमें 7, सो 7 इंटू पाई बाई 2 ओके एंड पाई का वैल्यू 7 इंटू 22/7 इंटू 2, सो ये कैंसिल हो गया 11, सो दैट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सो इसमें 11 सेंटीमीटर हो गया ये एंड ये कितना हो गया 22/3 सेंटीमीटर। सो दिस वी कैन से सिंपल वे में हम लोग आर्क निकाल सकते हैं कैसे कन्वर्ट करने का है। चलिए हम लोग थोड़ा और डिफिनेशन देख लेते हैं, विल सी मोर डिफिनेशन ओके। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉर्ड क्या होता है। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज ए कॉर्ड, सो सिंपली ऐसा समझिए दिस इज अ सर्कल ओके, कोई भी दो पॉइंट लीजिए सर्कमफेरेंस पे, सो लेट्स सी आई एम टेकिंग दिस वन ए एंड बी ओके, सो ए बी क्या हो जाएगा हियर कॉर्ड क्या है द कॉर्ड ए बी इधर में कॉर्ड ओके एंड सेंटर से लेट सी दिस सेंटर, यदि इससे यदि कोई पास कर रहा है कॉर्ड सो सो लेट सी दिस इज अ पी क्यू दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ओ, सो दिस इज ऑल्सो कॉर्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल और ओके सो दैट इज अ कॉर्ड ओके। नेक्स्ट में आता है द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर इज कॉल्ड सेगमेंट, मीन्स यदि हम लोग देखें तो कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सो सो लेट्स सी दिस इज आवर सर्कल लेट्स सी सेम दिस इज आवर कॉर्ड ए बी है, सो सिंपली इधर में देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया ये एक पोर्शन हो गया
सो आई एम जस्ट कलरिंग इट सो लाइक दिस वे. ये हमारा एक हो गया. सो दिस इज अ नोन एज द माइनर सेगमेंट. एंड जो कलर नहीं किए है मीन्स ये पूरा पोर्शन जो होगा दैट इज अ नोन एज द मेजर सेगमेंट. सो सिंपली कॉर्ड जो है डिवाइड करता है सर्किल को दो सेगमेंट में, एक माइनर एक मेजर. जो बड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेजर, छोटे वाले को माइनर. यदि यही कॉर्ड यदि सेंटर से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इक्वल डिवीजन हो जाएगा. लाइक दिस वे हम लोग ऐसे करें और यदि ये सेंटर से क्रॉस करेगा कॉर्ड, लेट्स सी दिस अ पी क्यू एंड सेंटर ओ है. सो ये देखिए दो हाफ सर्कल इक्वल सर्किल में डिवाइड करेगा, सॉरी दैट विल डिवाइड इन टू हाफ सर्कल. सो दैट इज नोन एज द सेम एज सर्कल. सो इस केस में ये वाला दोनों ये एंड बोथ आर कॉल्ड सेमी सर्कल, मीन्स सर्कल का हाफ पार्ट. ओके सो दिस इज अवर स्क्वाड सेगमेंट हो गया. अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं सेक्टर. व्हाट इज द सेक्टर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट. सेक्टर क्या है, ए पार्ट ऑफ ए सर्कल इनक्लोज बाय एनी टू रेडी. रेडी इधर में प्लुरल है, दो रेडी लिया इसलिए रेडी हो गया ये. एंड आर्क इज कॉल सेक्टर. सो सिंपल में ऐसा समझिए, लेट्स सी आई एम टेकिंग वन सर्कल, नॉट प्रोपेट, ये सर्कल है. And let's see, this is center. So any two ready, let's see, I'm taking this two. So ये जो enclosed है that is known as the sector. So let's see G O P Q. इसमें भी देखिए एक ये वाला portion हो जाता है, दूसरा ये वाला portion हो जाता है. So I'm setting here like this way. ये हमारा this will smaller we call same here. क्या हो जाएगा, minor सेक्टर. ओके एंड ये वाला जो पोर्शन होगा पूरा मींस ये इंक्लूडिंग दिस कंप्लीट दैट इज ए मेजर सेक्टर. ओके माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर बाद में हम लोग इसको मेंसुरेशन में यूज करेंगे. चलिए नेक्स्ट में हम लोग टेंजेंट सेकेंड का बस टेंजेंट की बात करते हैं. नेक्स्ट टर्मोलॉजी में जो आता है टेंजेंट. ओके नेक्स्ट आता है सेकेंड एंड टेंजेंट. सेकेंड क्या, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड. सो सिंपल इसको ऐसे समझिए, लेट्स सी एक सर्कल है ये, लेट्स सी दिस सर्कल हमारा सेंटर ए है. सो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज नोन एज सेकेंड. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है. देखिए पॉइंट, लेट्स सी दिस अ पॉइंट आवर ए बी, ए V दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके सो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्शन ए एंड बी पॉइंट पे, सो लाइन एल क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज अ नथिंग बट सेकंड. ओके एंड नेक्स्ट टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन टचिंग ए सर्कल एट ए पॉइंट ओनली दैट इज अ नोन एज टेंजेंट. सो लेट्स सी आई एम टेकिंग पॉइंट, लेट्स सी पॉइंट पी, और एक लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा. सो दैट इज अ, लेट्स सी आई एम ड्रॉइंग विद अदर कलर. ओके सो लेट्स सी दिस पॉइंट पी पे टच किया एंड लेट्स सी लाइन एम. सो लाइन एम क्या होगा, दिस इज अ टेंजेंट. ओके एंड पॉइंट पी क्या है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यू कैन से ऑन द सर्कमफ्रेंस. सो दैट इज अ सेकेंड टेंजेंट. एंड यही कॉर्ड इसमें क्या हो जाएगा, कॉर्ड सिर्फ जो होगा एक लाइन सेगमेंट होगा, मतलब एनी टू पॉइंट का जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेट्स सी सी एंड डी. सो दिस इज अवर लाइन, दिस इज अ कॉर्ड. सो डिफरेंस देख लीजिए सेकेंड में के, सेकेंड का मतलब सिंपली हो गया दो पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करेगा कोई लाइन स्ट्रेट लाइन दैट इज अ नोन एज सेकेंड. यदि एक लाइन सेगमेंट होगा जो दो पॉइंट को मिलाने से सर्कमफ्रेंस का,
तो बनेगा दैट इज ए कॉर्ड, सिर्फ एक पॉइंट पे जो हमको टच करेगा दैट स्ट्रेट लाइन नोन एज द टैंजेंट. सो दैट इज अ टर्मोलॉजी, डिफरेंट टर्मोलॉजी वी हैव स्टडी ऑन द सर्किल, जो आपको बहुत ही यूजफुल है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही यूजफुल होगा, प्लस आपका जो नाइन्थ का थ्योरम है, सो वेरियस, सो मस्ट बी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द टर्मोलॉजी विच यूज इन द सर्किल. चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, वन क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड देन हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका थ्योरी और स्ट्रांग हो जाएगा. क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर नीडल एंड मिनट नीडल व्हेन क्लॉक शो टाइम 12:20 आवर्स. सो कितना डिग्री होगा जब टाइम इतना दिखा रहा है. सो ये देखिए, सो मिनट का जो नीडल है यहाँ पे आएगा 20 मिनट्स. सो दिस, लेट्स सी, दिस इज 20 मिनट्स, ओके. एंड आवर का नाइट 12 पे नहीं होगा, थोड़ा ऑफसेट होगा. वो कितना ऑफसेट होगा हम लोग अभी निकालेंगे. सो दिस इज आवर नीडल, ओके. नाउ ये एंगल हमको निकालने का है. सो ये एंगल निकालने के लिए सिंपली पहले हम लोग समझते हैं ये क्लॉक को हम लोग कितना बड़े समय करते हैं, 60 मिनट माने 60 डिवीजन करते हैं. सो लाइक दिस वे यू कैन अंडरस्टूड सिंपल वे, इसको 60 डिवीजन 1, 2, 3, 4 ऐसा. सो 1 डिवीजन यदि हम लोग देखेंगे, 1 डिवीजन, सो ये कितना डिग्री होगा पहला. सो सिंपल इतना समझिए कि 60 डिवीजन में कितना डिग्री था, 360 डिग्री. सो 1 डिवीजन में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, दैट इज अ 6 डिग्री, सॉरी दिस इज अ 6 डिग्री, ओके. सो 1 डिवीजन कितना हो गया हमारा, 6 डिग्री. सो दैट इज अ 1 डिवीजन 6 डिग्री. नाउ ये एंगल निकालने का है, तो सिंपली हम लोग देखिए ऐसा कर सकते हैं, यहां से ये रेफरेंस लाइन हो गया. सो पहले हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें यदि ये माइनस कर दिए तो ये एंगल निकल जाएगा. सो अभी नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में यदि हम लोग जाएंगे, सो ये 20 मिनट में 1 डिवीजन मीन्स 1 मिनट. सो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 डिवीजन मीन्स हो गया इक्वल टू हो गया आपका 6 डिग्री. सो इसमें हमको 20 मिनट और 20 डिवीजन यू कर से 20 मिनट में कितना हो जाएगा, मिनट्स में 6 into 20 दैट इज 120 डिग्री, ओके. नाउ नेक्स्ट देखिए आवर का भी जो है इधर में, सो दिस इज आवर नीडल है, आवर नीडल, और ये हमारा है मिनट नीडल, ओके. सो ये भी इधर में ऑफसेट होगा, कितना ऑफसेट होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे. सो नेक्स्ट में हमको यदि आवर नीडल का देखेंगे, नीडल, सो सिंपली ये देखिए आप 1 आवर में कितना 5, यानी यू कैन से 5 डिवीजन तक आ जाता है 1 आवर में, और यू कैन से 60 मिनट में 5 डिवीजन तक आ जाता है. सो हम लोग इधर में लिख सकते हैं 6 आवर नीडल 60 मिनट में कितना डिवीजन आता है, मिनट्स में कितना डिवीजन आया था 5, और 1 डिवीजन 6 डिग्री, सो कितना हो गया 30 डिग्री, डायरेक्ट लिख रहा हूं. सो अभी हमको 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 60, सो दैट इज अ हाफ डिग्री. एंड 20 मिनट ऑफसेट हुआ है, सो 20 मिनट में हमारा आवर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 20, सो दैट इज 10, दैट इज अ 10 डिग्री. मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 डिग्री हो गया, और ये पूरा जो हो गया 120 डिग्री हो गया, दिस इज कंप्लीट 120 डिग्री. सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110, मीन्स सिंपली यू कैन से 120 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट इज यू कैन से 110 डिग्री. सो इस बेसिस से आप कुछ भी टाइम दिया रहेगा, आप एंगल बिटवीन आवर नीडल्स एंड मिनट नीडल्स में आप निकाल सकते हैं. सो सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करने का है. सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक में सर्कल का टर्मोलॉजी पढ़े, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए. यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बाय.
सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।